वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कल जो परीक्षा होने वाली है NTSC की, तो वो आप कैसे अटेम्प्ट करोगे। तो सबसे पहले आपके जो मोबाइल से उसमें एक लिंक आएगा, ऐसे ही ये डेमो, जैसे आप ये डेमो टेस्ट NTSC करके आ रहा है, तो कल वो जो लिंक आएगा वो आएगा आपका इस टेस्ट के लिए, तो वो आपको क्लिक करना है। जैसे कैसे क्लिक करना है, आपने जैसे क्लिक करेंगे आप तो डायरेक्टली आप क्या हो जाएंगे, डायरेक्टली आपके फ़ोन में वो या जो फॉर्म है ये आपका खुल जाएगा। अब देखिए इसको आपको कैसे करना है। पहले जो कि इसको जो खोलने के जो तरीके हैं, वो इसको खोलने के तीन तरीके हैं। तो एक तरीका तो ये है कि आपका ये डायरेक्टली ये लिंक आपके फ़ोन में खुल जाएगा, लेकिन ये फ़ोन में लिंक आपका तभी खुलेगा जब आपका जो ब्राउज़र है गूगल क्रोम, उस गूगल क्रोम में आपका जो साइन इन है, जो ईमेल साइन इन होगा ऑलरेडी, तभी खुल पाएगा। अब देखिए पहले एक बार इसे भर के देख लेते हैं, उसके बाद और तरीकों के बारे में बात करेंगे कि वो और तरीके कौन से हैं, कि अगर आपके फ़ोन में आपका ईमेल साइन इन नहीं है तो वो कैसे खुलेगा। देख लेते हैं पहले इसको करके। तो सबसे पहले आपको नाम भरना है अपना कैपिटल लेटर्स में, ठीक है। फिर आपको पिता का नाम भरना है आपने, जो भी है। फिर माता का नाम आपको भरना है। फिर आपको अपने विद्यालय का नाम आपको कैपिटल लेटर्स में भरना है, जैसे आपका GIC है तो GIC हमने लिख दिया, पौड़ी लिख दिया। मोबाइल नंबर आपको अपना सही डालना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। ये आपको अगर सही मोबाइल नंबर डालेंगे तो ये टिक नहीं करेगा। फिर आपको कैटेगरी लेनी है, आपकी जो भी कैटेगरी है। फिर आपको अपना जेंडर लिखना है। फिर आपको अपने विकासखंड का नाम डालना है, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट करना है। अब देखिए जब आप क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट कर रहे हो, तो सबसे पहला जो पार्ट है वो रीजनिंग का पार्ट है। इस रीजनिंग के पार्ट में आपको फिर 10 क्वेश्चन होंगे, यहाँ पर फिलहाल एक ही है डेमो में, तो वहाँ पर आपको फिर 10 क्वेश्चन होंगे। सामान्य ज्ञान के आपके पास 12 क्वेश्चन होंगे, यहाँ पर भी फिलहाल एक है, वहाँ पर 12 क्वेश्चन आपके पास आएंगे। अब हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी के चार और चार टोटल 8 क्वेश्चन आएंगे, तो 8 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। अगर आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ते हैं तब तक आपका जो फॉर्म है वो आगे बढ़ेगा नहीं, ये बात का आपको ध्यान रखना है। फिर गणित का पोर्शन आएगा, मैथमेटिक्स का, मैथमेटिक्स में भी 10 क्वेश्चन आएंगे, और लास्ट में आएगा आपके पास साइंस, तो साइंस में भी आपके पास 10 क्वेश्चन टोटल आएंगे। जैसे आप सबमिट करेंगे तो अगर आपके पास डिस्प्ले में ये चीज़ आ जाती है कि थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन, वी विल गेट बैक टू यू सून, तो इसका मतलब आपका जो फॉर्म है, आपका जो क्वेश्चन पेपर है, वो जमा हो गया है और आपको फिर से अटैम्प्ट नहीं करना है। क्योंकि अगर आप फिर से अटैम्प्ट करते हैं तो आपका जो पार्टिसिपेशन है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बातों का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ कि अगर इस तरीके से अगर आपका फॉर्म नहीं खुलता है तो आपको क्या करना है। ये जो लिंक है, इस लिंक को आपको कॉपी करना है। लिंक देखिए कॉपी हो गया है, और सीधे आपको क्या जाना है, क्रोम में जाना है। ध्यान रखिएगा आपको गूगल क्रोम में जाना है, ये गूगल क्रोम है। गूगल क्रोम में आपको क्या करना है, वो जो लिंक हमने कॉपी किया था उसको आपको डायरेक्ट यहाँ पर पेस्ट कर देना है। जैसे आप पेस्ट करोगे तो ये जो लिंक है आपके फ़ोन में खुल जाएगा। देखो मैंने रिस्पॉन्ड कर दिया, जिससे नहीं खुल रहा है, क्योंकि एक फ़ोन से एक ही बार में आप रिस्पॉन्स दे सकते हैं, तो मेरे फ़ोन में फिलहाल नहीं खुल रहा है। अब देखिए एक तो तरीका ये है कि आप डायरेक्ट खोल लें, दूसरा तरीका है आप गूगल क्रोम में जाके उसे पेस्ट कर लें। गूगल क्रोम के अलावा कोई और ब्राउज़र होगा तो वहाँ पर पेस्ट नहीं हो पाएगा और फॉर्म नहीं खुलेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो भी लिंक है उसको आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र के ऊपर ही पेस्ट करना है। अब देखिए तीसरा तरीका, जो लास्ट तरीका है, वो लास्ट तरीका क्या है। अब देखिए आपके फ़ोन में नॉर्मली हो क्या सकता है कि जैसे आपने लिंक को क्लिक किया तो अब क्या होगा, देखिए कई बार क्या होता है कि जैसे हम लिंक को पेस्ट करते हैं तो हमारे पास क्या मांगेगा, देखिए ये मांगेगा ये। अब देखिए ये साइन इन टू कंटिन्यू, साइन इन मांगेगा ये। अब देखिए साइन इन करने का देखिए एक ही तरीका है कि साइन इन करने के लिए आपके पास एक ईमेल आईडी और पासवर्ड होना चाहिए। जब तक आपके पास कोई ईमेल आईडी और पासवर्ड नहीं होगा तब तक आप साइन इन नहीं हो पाएंगे, और अगर आप साइन इन ही नहीं हो पाएंगे तो आप उस पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो आप जो हम ये डेमो टेस्ट आपको सेंड कर रहे हैं, इस डेमो टेस्ट से आप ट्राई कर लीजिएगा कि आपके फ़ोन में ये लिंक खुल रहा है कि नहीं खुल रहा। अगर ये लिंक आपके फ़ोन में खुल रहा है या आप इसे खोल पा रहे हैं, तो इसका मतलब आप कल के एग्जाम में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आपका फ़ोन में डायरेक्ट लिंक खुल रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं खुल रहा है तो ये ऑप्शन आएगा साइन इन टू कंटिन्यू। तो वहाँ पर साइन इन में आपको किसी का ईमेल आईडी या पासवर्ड चाहिए, बिना ईमेल आईडी और पासवर्ड के आप इसमें एंटर नहीं कर पाएंगे। तो जैसे आप साइन इन मांगेंगे तो आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे, जैसे मैं डाल देता हूँ अपना, ठीक है ये मैंने डाल लिया। आपने नेक्स्ट किया है,
नेक्स्ट में मैं जैसे ही पासवर्ड एंट्री करूंगा अपना, पासवर्ड एंट्री करते ही मैं इसमें फॉर्म मेरे पास खुल जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये तीन तरीके हैं, इन तीन तरीकों में से किसी एक तरीके से आपका फॉर्म खुल जाएगा। डेमो टेस्ट अगर आप कर पा रहे हैं इसका मतलब आप कल का पेपर भी कर पाएंगे। ठीक है, आप प्रैक्टिस कर लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, तो मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा कि आपको कैसे उसको खोलना है फॉर्म को। थैंक यू।